कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ पॉइंट फाइव फाइ पॉइंट फाइव एम एम एंड रेजिटिविट इज दिस वट विल द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मे अ रेजिटेंस ऑफ टेन ओहम हाउ मच डज द रेजिटेंस चेंज इफ द डायटर इज डबल तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है राइट right? पहला ये वाला क्वेश्चन है राइट right? लेंथ कितना है वट विल भी द लेंथ और दूसरा नीचे वाला है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इफ द डायमीटर इज डबल तो इफ दैट इज द केस पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं फिर बात करते हैं हमारा जो ये डायमीटर है वो कितना है डाय मीटर इज पॉइंट फाइव एम 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 का मतलब क्या होता है मिलीमीटर मिली मतलब कितना होता है मिली मतलब होता है टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर राइट मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया अभी पॉइंट फाइव को मैं क्या लिख रहा हूँ फाइव इंटू टेन टू द पावर वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री जैसे कि वैसा राइट right? फाइव को मैंने क्या लिख दिया पॉइंट फाइव को क्या लिख दिया फाइव लिख दिया नाउ दिस विल बिकम फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर हालांकि ये कंपलसरी नहीं है लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ताकि कैलकुलेशन uh, मेरा इजी जाए अब डायमीटर तो मैंने लिख लिया अब बात करते हैं ये अब ये क्या है दिस इज रेजिस्टिविटी ओके तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी लिख लेते हैं भाई रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टें टू द पावर माइनस एट ओ हीटर राइट इसको सिक्सटीन कर लेते हैं सिक्सटीन इंटू टें टू द पावर माइनस वन इंटू टन टू द पावर माइनस एट ये देखो ये स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ

हम रेगुलर फार्मूला यूज करने वाले हैं पाईआर स्क्वायर वाला वो तो उसके लिए हम यहाँ पे आप एक तो डायमीटर का फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करके भी आप कर सकते हैं रेडियस कैसे मिलेगी मुझे डायमीटर का हाफ है ना दैट विल बी इक्वल टू फाइव इन टू टेन टू दावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू ये रहा मेरा रेडियस नाउ आई कैन ईजिली फाइंड यूज रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है रो एल बाय पायर स्क्वायर मतलब ए तो दैट विल बी इक्वल टू रो एल बाई पायर स्क्वायर चलो वैल्यू पुट करते हैं ये देखो आप आपने यहां पे डायमीटर का फॉर्मूला यूज कर लिया तभी भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन रेडियस uh, से इजी जाता है छोटा कैलकुलेशन हो जाता है सो so, रेडियस uh, आपको इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए लेंथ है ना तो लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो है ना वैल्यू पुट कर लेते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है टेन पाई का वैल्यू कितना है uh, आप ट्वेंटी टू बाई सेवन भी ले सकते हैं या फिर थ्री पॉइंट वन फोर भी ले सकते हैं कंप्लीटली आपका चॉइस है ठीक है सो थ्री पॉइंट वन फोर इन रेडियस का स्क्वायर दैट मींस फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो रो कितना है भाई दैट इज सिक्सटीन इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन चलो अस सॉल्व दिस यह आ जाएगा टेन इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इन टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट विल बी ट्वेंटी फाइव टेन टू द पावर माइनस फोर का स्क्वायर दैट विल बी टेन टू द माइनस एट डिवाइडेड बाय वो नीचे फोर रहेगा टू का स्क्वायर कितना होगा फोर वो फोर को मैं नीचे ले लेता हूँ दैट विल बिकम सिक्सटीन इंटू टें पावर माइनस नाइन ये जो टू है इसका स्क्वायर होगा ना तो दैट स्क्वायर मैं नीचे ले रहा हूँ लेकिन फिर भी इफ़ यू वॉन्ट अ वन स्टेप एडेड टू टू का स्क्वायर फोर वो फोर को बाद में नीचे लेता हूँ मैं टेन इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टू दावर माइनस एट डिवाइडेड बायसटीन इंटू टू दावर माइनस नाइन इंटू फोर ना स्टार्ट डिवाइडिंग दिस टेन के पावर्स को अलग करते हैं नंबर्स को अलग करते हैं तो फिर सॉल्व करना ईजी चला जाएगा तो एल विल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इंटू फोर करेक्ट इंटू टेन के पावर्स को लिख लेते हैं टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट डिवाइडेड बाय टेन टू द पावर माइनस नाइन बस इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग लेंथ विल बी इक्वल टू 3.14 पॉइंट वन फोर इन टू अभी इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग राइट नहीं तो 64 से सीधा सा कर लो कोई बात नहीं uh, मतलब यू नो दैट इज वन एंड गोइंग टू बी द सेम थिंग 16 से डिवाइड कर लेते तो 4 से डिवाइड कर लो नाउ टू टू झा फोर टू वन झा टू राइट वन बचा एलेवन टू फाइव झा टेन वन बचा फोर्टीन सेवन पॉइंट फाइव सेवन आ चुका है नाउ टू से हम लोग फिर से डिवाइड कर लेते हैं फिर सिक्सटीन से भी कर लेंगे वन पॉइंट फाइव सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव तो वो कितना हो जाता है तो ये आपको ऊपर का कैलकुलेशन करना है थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव राइट डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इंटू टू दैट विल बी थर्टी टू इन टू टेन टू ये कितना आ जाएगा देखो अब ज़्यादा खेलते नहीं बैठेंगे उसको टेन का पावर जल्दी से कर लेते हैं टेन टू दी पावर ऊपर जा आ जा जाएगा माइनस सेवन और नीचे आ जाएगा टेन टू दी पावर माइनस नाइन सो लेंथ विल बी इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय थर्टी टू कितना आ जाता है वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट टू टू इन टू टेन टू द पावर ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं है ना ऊपर के सेवन और नीचे के नाइन कट हो जाएंगे तो वो बचेगा वन बाई टेन टू दी पावर माइनस टू सही है एक काम कर लेते हैं इसके और दो डिजिट ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जाने के बाद हंड्रेड होने वाला है सो so बेटर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में सरका लेते हैं इसके उसके दो डिजिट और बढ़ा देते हैं हम लोग सिक्स फाइव सिक्स ठीक है नाउ दिस विल बी मोर एक्यूरेट तो लेंथ विल बी इक्वल टू वन पॉइंट टू टू सिक्स फाइव सिक्स इंटू टेन टू दावर टू विच इज तो लेंथ क्या आ जाएगा 122.65 मीटर है ना ये हमारा लेंथ आ गया भाई तो दिस इज आवर आंसर फॉर आवर क्वेश्चन कि लेंथ कितना है वन ट्वेंटी मीटर ये थोड़ा वैरी कर सकता है आपका आंसर ये थोड़ा वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन पाई का वैल्यू आपने क्या लिया है पाए का वैल्यू अगर ट्वेंटी टू बाई सेवन लेता मैं तो ये आंसर थोड़ा अलग आता अगर आप पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर ले रहे हैं तो आंसर यहां पे अलग आ सकता है तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो समवेयर वन ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स फाइव या फिर अगर आप पाए का वैल्यू ये लेते ट्वेंटी टू बाय सेवन तो फिर उस टाइम पे आंसर आपका आता वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन मीटर्स ठीक है समवेयर क्लोज तो इसके आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए आंसर मार्क्स दोनों को मिलते हैं थ्री पॉइंट वन फोर को भी मिलेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन को भी मिलेंगे नाउ ये तो पहला पार्ट हो गया अब दूसरा देखते हैं हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल अब रेजिस्टेंस और डायमीटर uh, का पहले रिलेशन देख लेते हैं फिर बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर है ना

रेडियस इज इक्वल्स टू रो एल बाय पाए रेडियस का फॉर्मूला क्या है डी बाय टू डी बाय टू का स्क्वायर तो दैट विल बी रो एल बाय पाए इन टू डी स्क्वायर बाय फोर वो फोर कहाँ चला जाएगा ऊपर तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू फोर रो एल बाय पाई डी स्क्वायर तो इन शॉर्ट रेडियस और डायमीटर uh, में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है राइट right? और इन्होंने डायमीटर को डबल किया राइट डायमीटर को डबल किया तो डायमीटर अगर डबल किया तो रेडियस क्या होगा फोर टाइम्स कम हो जाएगा बस आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है लेकिन फिर भी फिर भी फॉर्मूले के थ्रू करते हैं ये हमारा हो गया फर्स्ट आर वन का वैल्यू क्या होगा आर वन विल बी इक्वल टू आर वन फोर रो एल बाय पाए डायमीटर को क्या किया उन्होंने डबल किया है है ना पहले अगर डी था तो बाद में डायमीटर उन्होंने क्या कर दिया टू डी कर दिया तो डायमीटर की जगह पे मैं टू डी कर देता हूँ उसका स्क्वायर कर लेते हैं देख लेते हैं क्या आंसर आता है दैट विल बी फोर रो एल बाय पाए टू डी का आ जाएगा फोर डी स्क्वायर राइट ये फोर को मैं बाहर ले लेता हूँ नीचे का जो फोर है ना बाहर ले लेता हूँ मैं दैट विल बी वन बाई फोर बाकी का मैं जैसे कि वैसा रीअरेंज कर रहा हूँ दैट इज़ फोर रो एल बाय पाए डी स्क्वायर आपको समझने के लिए ये नंबर मैं थोड़ा रेड में लिख लेता हूँ यही फोर में आगे लेके जा रहा हूं ठीक है यही फोर मैंने आगे लिया बाकी का जैसे के वैसा अब ये फोर रोयल तो बस आर वन फोर्थ ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस राइट ये हमारा आंसर है तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या है वन फोर्थ ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो हमको लेंथ भी मिल गया वी गॉट अवर लेंथ एंड वी ऑल्सो गॉट अवर न्यू रेजिस्टेंस विच इज One fourth of original ones if you double the diameter.